यस, वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे कैसे आप जनवरी 2024 में जो सीटेट है उसकी तैयारी करें। इस बार अगर आप देखेंगे तो 82% लोग फेल हुए हैं सीटेट में। अभी आएंगे उस पर कैसे कैसे और क्या क्या। तो ये शायद पिछले बहुत सालों में सबसे खराब रिजल्ट रहा है इस साल का, क्योंकि लगभग 30% लोग पास होने लग गए थे जब से ठीक ठाक ऑनलाइन एजुकेशन शुरू हुई थी। अगर मैं बात करूं 2018-16 जब हम लोग डिस्कशन करते थे, दो चार गिने चुने चैनल्स थे यूट्यूब पे। तो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कहानी है क्या, कैसे तैयारी करें, क्या गलतियां इस बार रही है, क्या पेपर मुश्किल हुआ है, या हमारे पढ़ने में कमी है या पढ़ाने में कमी है। तो आते हैं, समझते हैं सीटेट 2024, हाउ टू क्रैक सीटेट। अब यहाँ पर बात ये नहीं है कि हम 150 को यहाँ पे स्ट्रैटेजी में रखें अपनी, कि 150 में से 150 कैसे स्कोर करें या 130 कैसे लाए। मतलब 130 प्लस एक ठीक ठाक स्कोर है अगर आप उसको टारगेट मान करके चलते हैं। इस बार 140 देखने को नहीं मिले, है ना। हर साल अगर मैं बात करूं, ऐसा नहीं है कि ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि मेरा मन कर रहा है, हमारे कितने सारे लर्नर्स हैं जो हर बार 140 नंबर लेकर के आते हैं। तो आएंगे उस चीज पे भी और मिलवाएंगे उन लोगों से भी आपको। समझते हैं कि क्या बुक्स रहे हैं, क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या चेंजेस हैं, किनको ध्यान में रखें, और तसल्ली से ये सेशन पूरा देख लेना है, ये वीडियो पूरी देख लेनी है। थोड़ा सा समय लगा है इसमें, बट गुड थिंग्स टेक टाइम एज वी से। तो समझते हैं कि कहानी है क्या, एक प्लानिंग अपनी कैसे बनाएं, कैसे, क्योंकि अब 2.5 महीना भी नहीं है, 2 महीना ही है मुश्किल से। पहले समय भी ज्यादा मिला करता था, 6-6 महीने मिलते थे तैयारी के लिए। तो समझते हैं कहानी है क्या, जबकि पेपर इस बार ऑफलाइन हुआ। ऑनलाइन कई लोगों के लिए बहुत बड़ा चेंज था, लेकिन ऑफलाइन में इतनी परसेंटेज गिरी है रिजल्ट की। चलिए समझते हैं, कई लोग इसको बिल्कुल हलवा समझते हैं, लेकिन रिजल्ट बताता है कि उतना हलवा है नहीं, क्योंकि हम गलत तरीके से या तो तैयारी कर रहे हैं या समझ रहे हैं चीजों को। देखिए, अगर अगस्त 2023 के रिजल्ट की बात करें सीटेट की, तो 23 लाख प्लस लोग अपियर हुए, जिसमें से 4 लाख लोग पेपर वन पेपर टू दोनों की मैं बात कर रही हूँ। पेपर टू के तो हालात इतने खराब रहे कि 1,01,000 समथिंग लोग जो है वो पास हो पाए, और पेपर वन में जो है 3,98,000, यानी 3 लाख समथिंग, आई थिंक 2,93,000 समथिंग। तो टोटल 4 लाख लोग पास हुए 23-24 लाख में से। That means 82% लोग फेल हो गए किस एग्जाम में, जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जिसमें आपको किसी के साथ मेरिट में या कंपटीशन में नहीं आना होता, जस्ट 90 नंबर लाने होते हैं 150 में से। उस एग्जाम में रिजल्ट क्या रहा, सिर्फ 17% लोग पास हुए। अगर ओवरऑल देखें हम पेपर वन प्लस पेपर टू मिलाकर के, और 82 पॉइंट समथिंग जो है वो हम फेल हो गए जो लर्नर्स हैं, ठीक है ना, या क्वालिफाई नहीं कर पाए, ठीक है, फेल हो गए। कई बार खराब लगता है सुनने में, बट इस टाइम खराब लगे तो भी लगा लीजिए, क्योंकि ये वो समय है जिस टाइम आप अगर थोड़े से अवेयर होकर तैयारी कर लेंगे तो शायद उन 82% में आपको नहीं आना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पेपर वन की अगर हम इसमें बात करते हैं, तो पेपर वन जो कि प्राइमरी के लिए होता है, इसमें 24.6% लोग जो है पास हुए, यानी 24.6% ओनली, ठीक, यानी 25% भी नहीं, 75% से भी ज्यादा, 75.4%। तो 75.4% लोग, जब 75.4% लोग क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं पेपर वन में, जो प्राइमरी लेवल का पेपर है, जिसको लड्डू कहा करते थे हम लोग किसी समय में। और अगर हम बात करते हैं पेपर टू की, तो यहाँ पे 8.6% ही पासिंग परसेंटेज है, बाकी 92% लोग फेल हो गए। तो अगर आप पेपर टू के हालात देखेंगे, तो ये 82% जो फेल हुए ना, ये भी पेपर वन वालों ने बचा लिया, अदरवाइज पेपर टू के हालात तो इतने खराब थे कि 8.6% लोग ही क्लियर कर पाए इस बार। और लैंग्वेज भी पेपर टू की टफ रही है ना, जो पेपर टू में एसएसटी और साइंस मैथ्स वाला सेक्शन है, उसमें भी थोड़ा सा हमें देखने को मिला कि जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के रहे। तो समझते हैं कहानी है क्या, और कैसे इस आंकड़े में आने से बचना है और इस तरफ आना है। और ऐसा नहीं है ये रिजल्ट हमेशा से ऐसा ही रहा है। अगर मैं 2011-12-13 तक की बात करूं, 2%, 5% ऐसे रिजल्ट हुआ करता था। फिर उसके बाद अगर हम देख रहे हैं, धीरे धीरे थोड़ा सा इंप्रूव हुआ, लेस देन 10% ही था तब भी। 2016 में मुझे याद है हमने चैनल बनाया था, और ऑनलाइन का थोड़ा सा हेल्प मिलनी शुरू हुई लोगों को, और भी लोग रहे होंगे उस टाइम पे, बाद में आए। तो अगर हम बात करें, तो उस टाइम पे 30% रिजल्ट था 2018 का, जब पेपर आया था दिसंबर का, जबकि 2018 का पेपर ठीक ठाक था। तो 30% रिजल्ट था, पास हुए थे लोग 30%। उसके बाद और बढ़ा, 2019 के पेपर बहुत आसान थे दोनों, लेकिन सिलेबस से थे। 20 में ऑनलाइन हुआ, लेकिन फिर भी इतने बुरे हालात नहीं थे जितने इस बार हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, सिलेबस सेम है, पैटर्न सेम है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन मुश्किल लग रहा है, या कई लोगों को आदत ही नहीं रही ऑफलाइन पेपर देने की, एक रीजन ये भी हो सकता है। तो समझते हैं, और इसमें जब आज 2023 में खड़े हैं हम, 24 आ जाएगा, 2 महीने भी नहीं है, 1 महीना बीच में है, और भर भर के YouTube पे भरमार है टीचर्स की, पढ़ने वालों की, पढ़ाने वालों की, तो कहीं ना कहीं एक रीजन इसमें क्वालिटी कॉन्टेंट की कमी भी है, क्वालिटी टीचर्स की कमी भी है। तो हम लर्नर्स और टीचर्स कहीं ना कहीं फेल हो रहे हैं, पूरा सिस्टम फेल हो रहा है अगर देखा जाए तो, जो हम पढ़ते भी हैं टीचिंग में। तो समझते हैं कि कैसे हम किन चीजों का ध्यान रख सकते हैं। देखिए, अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश कीजिए। इस बार अभी तक तो हमें कोई लर्नर नहीं मिला है जिसका स्कोर 140 प्लस रहा हो,
या 140 भी रहा हो, 138 137 इस तरह के लर्नर्स हमारे रहे हैं, है ना, बैचेस में भी जो आप लोगों ने टेस्टिमोनियल लिखे हैं वहां पे, वहां से मुझे पता लगा। इंटरव्यू में मैंने अभी 131 वालों के कई लोगों के लिए हैं इंटरव्यूज, लेकिन प्रीवियसली तो ये अच्छा तरीका नहीं होगा कि हम कहें कि नहीं हम 145 प्लस लेकर के आएंगे इस बार, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारे लर्नर्स नहीं लाए। मैं ऐसे ही कह रही हूँ कि कभी हमारे किसी लर्नर के 140 नहीं आए, 142 नहीं आए, और मैं ऐसी हवा में कह रही हूँ कि नहीं ये आपको 140 लाख लेके आने हैं। बहुत अच्छी बात है। 143 अनुराग ने स्कोर किया था, अभी दिल्ली में कार्यरत हैं गवर्नमेंट स्कूल में अनुराग, और अनुराग ऐसी जगह से थे, ये लोग बहुत पर्सनली आप सभी लोग मतलब इंटरव्यू के थ्रू मुझे मिलने को मिलता है आप लोगों से, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो अनुराग का मुझे याद है कि कोई बुक इनको भेजनी थी, वो नोट्स वाली या कुछ तो था, तो अमेजोन से ऑर्डर करने पर गाँव में किताब 15 दिन बाद पहुंचती है। दिल्ली में जहां मैं रहती हूँ वहां एक दिन में आ जाती है। आप जहां आसपास अगर रहते होंगे दिल्ली के ऐसे शहरों में रहते होंगे, मेट्रो सिटीज में, जहां तुरंत से किताब ऑर्डर की आपने, एक दिन दो दिन एक हफ्ते में आ जाएगी, 15 दिन लगते हैं कम से कम जो किताब पहुंचने में। भारत में ऐसी बहुत सारी जगह है, तो एक अपना संघर्ष होता है हर व्यक्ति का। तो 143 अनुराग के रहे, 141 रहे सचिन के, फिर 140 ऑनलाइन एग्जाम में अनुष्का लेकर गए लास्ट ईयर, बीएड था इनका, तो बीएड वाले इस बार बाहर हो गए, तो वो एक रीजन रहा अनुष्का के साथ थोड़ा सा खराब। 140 स्कोर ऑनलाइन एग्जाम में देखने को मिला, बड़ी बात थी, ऑनलाइन होने के बावजूद, इतनी सारी शिफ्ट होने के बावजूद भी इतना अच्छा स्कोर। उसके बाद इस बार अगर हम देख रहे हैं तो आप देख चुके हैं 130 मार्क्स हैं किसके, आपके कनिका के, और अभी सौरभ का इंटरव्यू आपने देखा है कल परसों, 131 मार्क्स हैं। ये लेट्स लर्न पे ये सारे इंटरव्यूज हैं, क्यों बता रही हूँ मैं अभी बताऊंगी। तो 131 वाले तो बहुत सारे लोग हैं, 130 की लाइन में तो पता नहीं कितने लर्नर्स हैं, लेकिन इस बार 140 का स्कोर अभी तक देखने को मिला नहीं है। ठीक, 136 जो है ये लास्ट टाइम ऑनलाइन वाला है पारुषी का, इनको मैंने लगाया इसलिए इनकी इतनी तबियत खराब है, इनको प्रॉपर दिक्कत है तब भी। तो अलग अलग कहानियां हैं, तो बहुत सारे छोटी जगहों से, ठीक सिटीज से भी, जो जहां पे सुविधाएं ज्यादा हैं, बैच से भी, यूट्यूब से भी, फ्री नोट्स पढ़ के भी, तो हर तरह के लर्नर्स हैं अपने पास जिन्होंने मेहनत कर करके एग्जाम निकाले हैं। तो ऐसा नहीं है कि नंबर नहीं आते या नहीं आ सकते, तो इस बार कोशिश तो यही करनी है कि 130 प्लस लेकर के जाएं, 140 लाइए आप, 149 लाइए मेरी तरफ से, लेकिन तैयारी अच्छी होनी चाहिए, नंबर अपने आप अच्छे आ जाएंगे, है ना। तो समझते हैं क्या कहानी है। इसके अलावा 130 की लाइन लगी हुई रहती है एकदम, बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू ले पाना संभव नहीं होता, ये सारे 130 प्लस वाले लोग हैं। और तो कुल मिलाकर के बात ये है कि आप लोगों से भी मिलना होगा ऐसे ही, ये आपको थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए भी है कि जब आप अच्छा स्कोर करेंगे, ये प्रॉपर एक स्ट्रेटजी बनाएंगे, थोड़ी सी मेहनत करेंगे, और उसके बाद हम लोग जब रिजल्ट के टाइम पे मिल रहे होते हैं, हर साल मीटअप होता है, इस बार नहीं हुआ है बस, तो वो अपने आप में एक मोटिवेशन का काम करता है जब मुझे आपकी स्टोरी जानने को मिलती है। और कई इंटरव्यूज आपको अगले आने वाले दिनों में मिल जाएंगे यही लेट्स लर्न पे, आप बहुत सारे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स भी और सीटेट का तो अनगिनत इंटरव्यूज आपको मिल जाएंगे। तो एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें, अब ये एग्जाम पैटर्न जो 150 नंबर का पेपर है, ठीक है ना, 150 नंबर का पेपर है आपका, सारी बातें करेंगे, बुक्स कौन सी पढ़ें, नहीं पढ़ें, क्या करें, टोटल मार्क्स कितने, 150, चाहे पेपर वन हो चाहे पेपर टू हो, 150 नंबर का ही पेपर आता है। ड्यूरेशन भी 150 मिनट है, यानी 2.5 घंटा, अच्छा खासा टाइम मिलता है पेपर में। मोड क्या है, ओएमआर शीट यानी ऑफलाइन पेपर होगा। ये इस बार बहुत बड़ा रीजन रहा कि कई सारे लोग गलत गोले भरने की वजह से, स्पीड प्रैक्टिस की कमी की वजह से इस चीज में लैग किया, क्योंकि हमें आदत हो गई है फोन पर पढ़ने की, या फिर मोबाइल उसमें लैपटॉप में मॉक टेस्ट देते हैं हम लोग। लेकिन ओएमआर मैंने प्रॉपर शेयर की थी इस बार कि आप प्रैक्टिस कर लीजिए, 3 प्रैक्टिस 7 प्रैक्टिस जितनी शीट आप प्रैक्टिस कर लें उतना अच्छा है। ठीक, नेगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में होती नहीं है, क्वालिफाइंग एग्जाम है, किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, आपका अपने आप से कंपटीशन है। आपको 150 में से 90 नंबर लाने और 82 नंबर लेकर के आने यदि आप किसी भी कैटेगरी से, ठीक है। ईडब्ल्यूएस इसमें चलता नहीं है क्योंकि नौकरी वाला एग्जाम नहीं है। एक चीज मैंने नोट डाल करके लिखी हुई है कि सिलेबस जो है वो डिफाइंड है, यानी अगर आप DSSP में जाएंगे, अगर आप किसी और एग्जाम में जाएंगे कॉम्पिटेटिव, तो डिफाइंड होते हुए भी, या कई बार सिलेबस गिवन होता है लेकिन कई बार चीजें इधर उधर चली जाती हैं, लेकिन सीटेट के साथ ऐसा है कि प्रॉपरली डिफाइंड सिलेबस है, एक एक पॉइंट लिखा हुआ मिल जाएगा, और अगर आप उसको अच्छे से कर ले रहे हैं तो काम आपका बन जाएगा। लाइफ टाइम वैलिडिटी आप जानते ही हैं कि एक बार आपने सीटेट क्रैक किया, जीवन पर्यंत काम खत्म, अपना नौकरी लीजिए, आगे बढ़िए, बात खत्म। लगभग हर एक स्टेट में सीटेट चल जाता है, यानी देश भर के ज्यादातर जो राज्य हैं वो सीटेट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, अगर उनके राज्य का टेट आपने क्वालिफाई ना भी किया हो तब भी, ठीक है बात। तो ज्यादातर में, एक दो स्टेट्स में अभी थोड़ा सा पंगा है, जो लोग मना करने लग गए कि नहीं आपको हमारे स्टेट का टेट क्लियर करना पड़ेगा, लेकिन देश भर में ज्यादातर एग्जाम में आप बैठ पाएंगे अगर सीटेट आपका क्लियर है तो, और प्राइवेट स्कूल्स के लिए भी आपका रास्ता खुल जाता है। हालांकि कुछ प्राइवेट स्कूल्स आज भी मिल जाएंगे आपको जो सीटेट के बिना भी चला लेंगे काम, बट वो फिर अगेन दिक्कत ही है। तो डिफाइंड सिलेबस है, इसको ध्यान में रखना है, ये लाइन ध्यान में रखनी है कि डिफाइंड सिलेबस है, तो सिलेबस को प्रॉपरली पढ़ेंगे हम। सिलेबस मैं शेयर भी कर दूंगी आपके साथ, सीटेट की वेबसाइट से भी आप उठा सकते हैं सिलेबस, है ना। दो तीन ही चीजें, अगर मैं सिर्फ 2-3 लाइन में लिखूं
अगर मैं सिर्फ दो तीन लाइन में लिखूं या एक लाइन में लिखूं आपका सिलेबस है ना जो दिया हुआ है वेबसाइट पे, उसको समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। सिलेबस पीवाईक्यू, पीवाईक्यूज क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो भी कौन से पढ़ने हैं उस पर भी आएंगे, एनसीईआरटी बुक्स, दैट्स इट, खत्म, कुछ नहीं है, इतना ही है बस, चौथी चीज है ही नहीं, यही तीन चीजें हैं, सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एनसीईआरटी, दैट्स इट, खत्म। इसी में आपका पेडागॉजी आ जाएगा, इसमें सब कुछ आ जाएगा फिर आपका, क्योंकि सिलेबस में ही गिवन है, ठीक है ना। तो आएंगे इस पे भी, समझते हैं कहानी क्या है। तो अगर हम पैटर्न की बात करें एग्जाम के, तो जैसा कि अभी हमने बात की, पेपर वन पेपर टू दोनों ही 150 नंबर का आपका एक पेपर 150 नंबर का आता है, जिसमें तीन सब्जेक्ट कॉमन है। यानी आप अगर पेपर वन की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपको वही तीन सब्जेक्ट पढ़ने हैं, और पेपर टू भी कर रहे हैं तब भी सेम तीन सब्जेक्ट पढ़ने हैं, बस एक सब्जेक्ट डिफरेंट पढ़ेंगे आप यदि पेपर टू के लिए जा रहे हैं, क्योंकि पेपर टू में टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स है 4 और पेपर वन में है 5, ठीक है ना। इन 4 में से 3 जो है वो पेपर 1 पेपर 2 दोनों में कॉमन है, यानी 90 नंबर की तैयारी आपकी हो जाती है अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं एक बार में। यानी सीडीपी कॉमन है 30 नंबर की, जो बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र जिसको हम कह रहे हैं। लैंग्वेज 1 यानी आपने हिंदी या इंग्लिश ली होगी, लैंग्वेज 2 जो भी आपने ली है, मैं अज्यूम करके चल रही हूं कि आपने यहां पे भी सेम ही लैंग्वेज ली होगी। लेवल में ज्यादा अंतर कुछ खास देखने को नहीं मिलता, सिलेबस सेम है, बशर्ते आपने अच्छे से पढ़ा हो तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप पेपर वन का क्वेश्चन कर रहे हैं कि पेपर टू का क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी पेपर वन का कल परसों क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, पेपर टू भी मैं जल्दी ही कराऊंगी, आपको पता लग जाएगा, जिसकी तैयारी अच्छी है उसको समझ में आएगा। ईवीएस और मैथ्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये 30 मार्क्स के हैं, ये दोनों सब्जेक्ट मिला करके यानी एक सब्जेक्ट बन जाता है पेपर टू में। एसएसटी आएगा या तो 60 नंबर का या साइंस और मैथ्स आएगा, वो आपके ग्रेजुएशन पर डिपेंड करेगा। तो ये एक बेसिक सी बात हो गई। अब ये जो सीडीपी लैंग्वेज है दोनों, पहले इनकी बात कर लेते हैं कि 90 नंबर की तैयारी कैसे करें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है ना, कि इन तीनों की तैयारी हम कैसे करेंगे। आएंगे इस पे, फिर से वापस आएंगे, कुछ और छोटी छोटी बातें हैं जिन पे चर्चा कर लेते हैं, फिर इस पे वापस आएंगे कि क्या करें। कुछ चीजें जो हमें अवॉइड करनी चाहिए बिल्कुल, जो अभी हमने डेटा देखा उस डेटा का पार्ट हम ना बने, पासिंग वाली परसेंटेज को बढ़ाए ना कि फेल वाली, उस 82% में ना आए या उस 92% में ना आए पेपर टू के केस में, या उस 75% में ना आए जो फेल हुए हैं पेपर वन की अगर मैं बात करूं। तो अवॉइड क्या करनी है चीजें देखते हैं एक बार, अगर जिनको हम कहते हैं डोंट, मतलब ये काम नहीं करने, अवॉइड करनी है, मिस्टेक्स हैं, है ना, ये भाई साहब खड़े हैं ये लेकर के, रोट लर्निंग से बचना है। रोट लर्निंग बोले तो रटंत विद्या, रटना नहीं है ये, आपका एनसीएफ भी कह रहा है, बच्चों के लिए भी ये बात लागू होती है ना, और आप पे भी ये बात लागू होती है। अगर आप रटेंगे पेपर सॉल्व नहीं हो पाएगा। लैंग्वेज ऐसी बनाई जा रही है अभी पेपर की कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपकी होनी चाहिए, ठीक। तो एक तो रटने की कोशिश नहीं करनी है कि आपको लगे कि आप एक हफ्ता रट्टा लगाएंगे और काम बन जाएगा, दिमाग में चीजें बैठनी चाहिए, ठीक है ना। PYQ कैसे सॉल्व करें आएंगे अभी, उस पर मैं कराऊंगी भी, YouTube पे भी कराऊंगी, डोंट वरी। ग्रामर से बचना है, ये मैं जीवन पर्यंत से कह रही हूं, यानी प्राचीन काल से 2016 से मैं ये बात कह रही हूं, ग्रामर से बचना है। व्याकरण से क्या करना है, बचना है, क्योंकि व्याकरण इस एग्जाम में आधार नहीं है। हिंदी आती है, इंग्लिश आती है 30-30 नंबर की, लेकिन व्याकरण मुश्किल से 2-2-3-3 नंबर की पैसेज में आती है। तो ग्रामर, उतनी ग्रामर आपने पढ़ी है बचपन से, अगर आप पैसेज प्रैक्टिस कर लेंगे आपको अलग से ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास समय है, आप किसी बैच में हैं, आपको कोई टीचर अपने तरीके से करा रहे हैं, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स करा रहे हैं, वो आप कर सकते हैं। अदरवाइज अवॉइड कीजिए, पेडागॉजी पे फोकस कीजिए। पेडागॉजी रीढ़ की हड्डी है इस एग्जाम की, है ना, स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, हम बिना उसके बैठ नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, जीवन बेकार है। ऐसे ही सीटेट काम का नहीं है यदि आपने पेडागॉजी नहीं पढ़ी। आएंगे उस पर। तो ग्रामर से बचना है, ग्रामर नहीं पढ़नी। ग्रामर पढ़ते रहते हैं कई लोग, पेडागॉजी नहीं पढ़ते। पहले तो किताबों में नहीं आती थी ग्रामर, आजकल तो बुक्स भी अगर आप खरीदने जाएंगे वहां पर भी पेडागॉजी मिल जाएगी, इतना बुरा हाल था। डेविएशन फ्रॉम सिलेबस, सिलेबस से भटक गए हम, सिलेबस पता ही नहीं है। हाँ, रटंत विद्या चलंत नहीं, बिल्कुल सृष्टि। तो डेविएशन फ्रॉम सिलेबस, सिलेबस से भटकना नहीं है। अगर आप सिलेबस से भटक गए, सिलेबस का एक एक पॉइंट आपके लिए बिल्कुल क्या है, एक ऐसी रिलीजियस पुस्तक के समान है, उसको आप बाइबल कहिए, गीता कहिए, जो आपका मन करे, जिस भी चीज में आप विश्वास रखते हो, कुरान कहिए, जो भी आप कहना चाहते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब कहिए, जो भी जिस भी चीज में आप विश्वास रखते हैं, सिलेबस आपके लिए वो है। उससे आपको भटकना नहीं है, इस एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूं, लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, ठीक है ना। तो सिलेबस से नहीं भटकना है किसी भी हालत में, सिलेबस को बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट दिमाग में रखना है कि हमने कवर किया है या नहीं किया, ठीक। अब करने लायक बातें क्या है, डूज कौन से हैं, ये देखो कितने बड़े यस वाले व्यक्ति खड़े हैं, है ना, डूज कौन से हैं देखिएगा। तो अगर हम यहां बात करें सिंपल, जो अभी मैंने आपको तीन चीजें बताई उसमें से पहली चीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इसके लिए आप एक बुक ले सकते हैं, क्योंकि पेपर ऑफलाइन हो गया, बुक कोई भी ले सकते हैं, लेकिन गलतियां बहुत सारी मिल जाती हैं कई पब्लिकेशंस में,
कुछ अच्छे पब्लिकेशंस भी आते हैं, तो कोई भी बुक जो आपको आर गुप्ता मिले, जो भी मिल जाए, पियर्सन मिल जाए, जो मिल जाए बुक, आप एक प्रीवियस ईयर ले लीजिए, किरण मिल जाए, जो भी बुक आपके हाथ में है प्रीवियस ईयर की, आप उठा लीजिए उसको मार्केट से, और एक ही बुक लीजिए, ज्यादा झंझट में मत पड़िए, क्योंकि ये आपकी तसल्ली के लिए होगा। मैं कितना भी मना करूं फिर भी आप लोग लोगे ही, है ना। अगर आप बैचेस में हैं तो बात अलग है, क्योंकि वहां सारी चीजें आपको एक साथ ही मिल रही हैं, सारे टीचर्स मिल रहे होंगे, अपना सब्जेक्ट पढ़ा रहे होंगे, मॉक टेस्ट मिल रहे होंगे, प्रैक्टिस सेट मिल रहे होंगे, नोट्स मिल रहे होंगे, चैप्टर वाइज पढ़ाई हो रही होगी। तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उस केस में, अगर आपको लग रहा है कि बुक लेनी ही है तो आप बुक ले लीजिए, या फिर इससे भी अच्छा तरीका है वेबसाइट, सीटेट की वेबसाइट से डायरेक्ट डाउनलोड कर लीजिए। कितने 2018 का पेपर लिख लीजिएगा कहीं, 2018 का पेपर, 19 का अवॉइड कर सकते हो, 19 के दोनों पेपर इतने आसान है आज के समय में काम के नहीं है, 2018 से पहले वाले पेपर भी बहुत ज्यादा काम के नहीं है, उसमें से सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपके काम के हैं, जो मैं यूट्यूब पे आपको करा दूंगी या प्रैक्टिस में आपको करा दूंगी। तो 2018 का पेपर, 2020 वाला जो पेपर है ऑनलाइन, जितनी भी शिफ्ट है वो, 2021 वाला पेपर, और ये जो अभी हुआ है, ये था तो कायदे में 2022 वाला, तो ये वाला पेपर ऑनलाइन, मतलब 2018 के बाद से 19 को आप स्किप कर सकते हो। 19 का पेपर एकदम नॉर्मल पेपर था, उसमें कुछ भी अलग से कोई कुछ नहीं इन्होंने स्पेशल दिया। तो 2018-20 मतलब दोनों साल के ऑनलाइन पेपर और 18 वाला पेपर और इस बार का जो पेपर है, तो आपको सिर्फ 4 साल का करना है। ये 4 साल सिर्फ लगेंगे क्योंकि ऑनलाइन के बहुत सारे सेट हैं, तो आपको वो 2 साल के पेपर करने में टाइम लग जाएगा, तो अच्छे से उसको कर लीजिएगा। ये जो 20-21 वाले ऑनलाइन के पेपर हैं, इनको थोड़ा सा समय लगा करके अलग अलग शिफ्ट की, मैंने ये कराए भी हुए, यूट्यूब पे भी कराए हुए, अगर आप सर्च करोगे, मैं प्रैक्टिस में भी कराऊंगी जो अच्छे क्वेश्चंस होंगे, है ना। ऑनलाइन के ये दोनों पेपर आपको कर लेने हैं, इस बार का जो पेपर है अगस्त वाला ऑफलाइन, ये आपको कर लेना है। तो सिर्फ 4 साल के पेपर आपको करने हैं 2018 से अब तक, ठीक है, प्रीवियस ईयर के नाम पे। ऐसा नहीं आप 11 से लगे पड़े हैं। एनसीईआरटी के कोई बहुत ही ज्यादा प्रतिभाशाली व्यक्ति हो, गिफ्टेड बच्चा जिसका मन करता हो कि नहीं मैं तो सारे ही करूंगा या करूंगी, तो प्रैक्टिस सेट से अच्छा है फिर आप प्रीवियस ईयर लगा लो, चाहे 2011 तक के ही लगा लो। प्रैक्टिस सेट अलग से लेने की कोई जरूरत नहीं है, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस रेयर ही बनाता है कोई, वो आपको बेवजह के क्वेश्चन मिलेंगे आधे ज्यादा, उससे अच्छा है आप प्रीवियस ईयर कर लें, चाहे 2011 से कर लें। एनसीईआरटीज की अगर हम बात करें तो एनसीईआरटीज इंपॉर्टेंट है, आपको फ्री नोट्स भी दिए हुए, अगर जस्ट आपको एग्जाम पास करना है आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा। 5वां सब्जेक्ट के फ्री नोट्स हैं, 1 रुपया किसी से नोट्स के नाम पे नहीं लेते, और शायद ही आपको देश भर में उतने क्वालिटी नोट्स फ्री में मिल पाए, उनको बेचते हैं लोग ऑफलाइन में, बेचते हैं अलग अलग शहरों में, मार्केट्स में बिकते हैं वो, आप ही लोग बताते हैं ये। तो वो नोट्स आप फ्री हैं, उनको डाउनलोड कर लीजिए, प्रीवियस ईयर उठा करके पढ़ लीजिए वेबसाइट से, एक किताब मत लीजिए, कुछ मत लीजिए, लेकिन उसमें आपकी मेहनत पर्सनल लगेगी, ठीक है। या फिर आप बैच में एनरोल कर लीजिए, तो वहां फिर आपकी थोड़ा सा, आप हर दिन के बेसिस पे पढ़ रहे होंगे और एकदम से आपका जो हेडेक है सारा वो एक तरफ ही नहीं होगा, आपके साथ टीचर भी उतनी ही मेहनत कर रहे होंगे सारे सब्जेक्ट्स के, वो आप पे डिपेंड करता है टोटली। अगर हम कहें एक और चीज जो एनईपी हमें कह रही है और जो हमें पेपर में भी लगानी है, क्रिटिकल थिंकिंग। सारे ऑप्शंस कई बार सेम लगते हैं, सारे ऑप्शंस काम के लगते हैं, इस बार क्वेश्चंस भी इस तरह से पूछे गए हैं कई, तो अभी मैं पेपर 2 कल डिस्कस करूंगी तब बात करेंगे उस पे, कि आपको लगता है ये पूछना क्या चाहते हो भाई, चाहते क्या हो आखिर, है ना। तो ये एक बात है, क्रिटिकल थिंकिंग आपको पेडागॉजी में काम आती है, कि सोचना कैसे है टीचर के पर्सपेक्टिव से, जो पेडागॉजिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएगी। एक और चीज, पैसेज प्रैक्टिस, पैसेज की प्रैक्टिस कर लेनी है, क्यों, क्योंकि 30 नंबर के आपके पैसेज हैं, यानी गद्यांश पद्यांश की अगर मैं बात करूं, पैसेज टोटल 30 मार्क्स हैं, और ये सिर्फ प्रीवियस ईयर के कीजिए, और कहीं बाहर से कोई पैसेज मत करिए, उसी के तर्ज पे आते हैं, सेम कहीं नहीं मिलेगा आपको, रिपीट होते हुए नहीं दिखेंगे, बट एज इट इज उसी पैटर्न पे आते हैं जो आपके पैसेज हैं। तो पैसेज जो है आपके, क्योंकि 15 नंबर के लैंग्वेज 1 में आएंगे, 8 और 7 नंबर का 2 पैसेज, और ऐसे ही आपके लैंग्वेज 2 में आएंगे, क्लियर है बात। तो पैसेज की प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर से जरूर कर लेनी है। तो ये कुछ चीजें जिनका हमें ध्यान रखना है। ओएमआर पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट उसके लिए अभी समय है, मैं टेलीग्राम पे शेयर भी कर दूंगी। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, अभी अलग अलग सब्जेक्ट पे भी आएंगे, ये एक कंप्लीट सीडीपी की मैराथन है। इस साल मैंने मैराथन सेशंस जो है वो नहीं लिए थे, होपफुली इस साल में लूंगी, मतलब अभी जो ये वाला सीटेट आएगा, ये एक 2 साल पुराना वीडियो है, 11 मिलियन लोग इसको देख चुके हैं, सीडीपी का 4 घंटे का है, थोड़ा सा स्पीड पे भी अगर देख लोगे तो भी 30 out of 30 कहीं गए नहीं है, इतने पुराने वीडियो से भी, या जो नोट्स आपको दिए हुए हैं उनको भी अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे, बट वीडियो देख करके समझ में अच्छे से आता है। प्याजे वैगोस्की, कोलबर्ग, इन तीनों की थियोरीज हैं, ये आप देख सकते हो चैनल पे, अलग अलग सब्जेक्ट अलग अलग टॉपिक अगर आप सर्च करोगे लगभग सारी वीडियोज आपको मिल जाएंगे, थोड़े से पुराने होंगे बट काम के हैं, है ना। और इस बार भी हम जो करने वाले हैं उसके लिए भी जो भी टाइम टेबल रहेगा या चीजें रहेंगी वो आपकी मैं शेयर कर दूंगी। और इसके अलावा अगर हम बात करें चैप्टर वाइज की, तो वो हम बैच में पढ़ रहे होंगे, ठीक है।
क्वेश्चंस की प्रैक्टिस इनफ मैं यूट्यूब पर ही करा दूंगी, उसके लिए टेंशन लेने की बात है नहीं। ये छोटा सा सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा। और अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ जिन लोगों को डाउट हो, गले में थोड़ी सी दिक्कत है भाई आज। देखना एक बार इस पे हमने बात की थी कि इस पे आएंगे वापस, समझते हैं एक मिनट देकर के और फिर आगे बढ़ेंगे। फॉर्म तो भर सकते हैं भाई, पेपर टू वाला तो भर दो कम से कम। देखिएगा फोर ईयर इंटीग्रेटेड वाले भी दे सकते हैं भाई, पेपर देने में कोई दिक्कत नहीं अगर आप किसी भी टीचिंग लर्निंग कोर्स में हैं। देखिए बाल विकास सिंपल, इस पे मेरी बुक भी आती है, नोट्स भी फ्री आपको दिए हुए हैं, यूट्यूब से भी सिर्फ आप सर्च करके पढ़ लेंगे तो 30 में से 30 नंबर ले आएंगे। अगर आपको लगता है आपका बिल्कुल हाथ पकड़ के चला जाए बैच में तो आप बैच में एनरोल हो जाइए। तो जो भी नए तरीके से, जो भी नए क्वेश्चन है चैप्टर के साथ, जो भी किया जा सकता है सब कराया जाएगा। यूट्यूब पर भी जितना हो सकेंगी चीजें, चाहे वो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस हो या जो भी, अगर नए टॉपिक्स को कराना हो पुराने टॉपिक तो चलो आप यूट्यूब से प्रीवियसली भी देख लेंगे, तो वो सब भी कराने की कोशिश पूरी रहेगी। तो सीडी भी आपका सिंपली, आपको कुछ नहीं सोचना है इसमें, आप पढ़ेंगे साथ में मिलकर के, ठीक है ना। लेट्स लर्न के ईवीएस की अगर हम बात कर रहे हैं, ये नोट्स में हालांकि सारे दिए हुए हैं, ईवीएस में जो एनसीईआरटी के नोट्स होते हैं थर्ड फोर्थ फिफ्थ के, वो आपको दिए हुए हैं। या तो आप एनसीईआरटी की बुक खरीद के लिए थर्ड फोर्थ फिफ्थ की ईवीएस के लिए आपके पर्यावरण अध्ययन के लिए, या फिर आप सिंपली एनसीईआरटी की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आपको एनसीईआरटी की समरी दी हुई है नोट्स में, जो फ्री नोट्स है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ये पढ़ सकते हो। प्लस प्रीवियस ईयर जरूर करना है इन चीजों के साथ। मैथ्स में इसी एनसीईआरटी से आपकी 15 नंबर की पैडागॉजी भी कवर हो जाएगी और आपका ये वाला जो 15 नंबर का कंटेंट है वो भी। मैथ्स आपका अगेन 15 नंबर का है, बेसिक मैथ आता है, प्रीवियस ईयर अगर आप अच्छे से कर लेते हैं या टीचर के साथ आप अच्छे से टॉपिक भी पढ़ लेते हैं, और 15 नंबर की है पैडागॉजी। इसके क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं, सिलेबस डिफाइंड है, 7-8 टॉपिक है मुश्किल से, ठीक है ना। तो इसलिए भी आपको नोट्स दिए हुए या फिर आप बैच में पढ़ रहे होंगे। लैंग्वेज वन की अगर मैं बात करूं तो लैंग्वेज वन में अगेन, या चाहे हिंदी है इंग्लिश है, इस बार क्या कहूं, जब से इन्होंने ऑनलाइन किया है पेपर तब से थोड़ा सा चेंज आया है उसको, उसकी मतलब मैं जिम्मेदारी लेती हूँ कि मैं आपका यूट्यूब पर मैराथन सेशंस के थ्रू या जिस भी तरह से पॉसिबल होगा मैं आपको कराऊंगी ये चीज। लैंग्वेज वन लैंग्वेज टू हिंदी इंग्लिश पेडागॉजी दोनों आप टेंशन फ्री होकर के छोड़ सकते हैं मेरे ऊपर। सीडीपी ऑलरेडी आप छोड़ चुके हैं, है ना, तो उसकी टेंशन आपको नहीं है। एसएसटी और साइंस और मैथ्स की अगर हम बात करें तो ये क्लासेस इसकी बैचेस में होती है, मैं इसका सेशन नहीं लेती हूँ, बहुत बड़ा सिलेबस है। और 6th to 8th आपको 6th, 7th और 8th की एनसीईआरटी पढ़नी होती है। आज तक शायद ही आपको कोई व्यक्ति मिलेगा जो ये कहे मैंने सीटेट क्रैक किया है और 6th, 7th, 8th की एनसीईआरटी एसएसटी या साइंस के लिए नहीं पढ़ी है, एसएसटी के लिए तो मस्ट ही है। तो ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, बाकी तीनों चीजें कॉमन है। तो आज के लिए इतना ही, अगर आपको लगता है कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, वहां आपको नोट्स या क्लासेस का जो अपडेट है वो भी मिल जाएगा। बैच में क्लासेस आपकी करियर वेल पे हो चुकी है स्टार्ट,